तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, हमारे इस चैनल पर आप सभी बंदों का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना। तो आज हम आप सभी के लेकर लिए आ चुके हैं इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 6 को। आई होप अभी तक के सारे पार्ट्स आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे और जिसने भी देख रखे हैं तो गाइस अपनी राय जरूर देना कमेंट में। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा और चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके 6 पार्ट को। लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि जो फॉक्स थी उसके फादर जानू कि एम्परर फॉक्स वहाँ से उससे मिलने के लिए आए थे, उसे आज़ाद कराने के लिए आए थे। लेकिन जब उसे पता चलता कि यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ पर उल्टा ही हो रखा है कि जो सीनियर है वो उस लिटिल फॉक्स का ख्याल रखने में रखे हुए हैं, जिससे कारण उसका जो कल्टिवेशन है वो बढ़ता जा रहा है। और इस डाउट को सॉल्व करने के बाद उसका जो फादर एम्परर होता है वो वहाँ से चला जाता है फुल स्पीड में बिना जियांग चैन से मिले हुए। और उसके बाद जो लिटिल फॉक्स होती है वह चैन की सांस लेती है और मन में सोचते कहने लगती है किस्मत की बात है कि जो मेरे फादर हैं वो मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती खींचकर नहीं ले गए। एक तरफ मेरे फादर, एक तरफ यह सीनियर, अब मुझे इन दोनों के बीच में से किसी को चुनना होता और ये चीज़ वाकई में मेरा सर दर्द घुमा देता है। और इस बारे में सोच कर जो लिटिल फॉक्स होती है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल फॉक्स होती है वो देखती है कि जूलिन और यूजुलान वहाँ पर आते हैं और उस लिटिल फॉक्स को अपने छोटे छोटे गुब्बारा बड़े बड़े गुब्बारों में फंसा लेते हैं, जिसके कारण उसे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उस लिटिल फॉक्स को कि वो उसी के बीच में फंस जाती है। और तभी वह कहने लगते हैं कि चलो चलते हैं गुड सिस्टर, जो सीनियर है वह हमारा इंतजार कर रहे होंगे तो हमें अब अंदर जाना चाहिए। और भाई इतने ज़्यादा मुलायम जगह पर किसी को लेटने को मिल जाए तो वो कौन मज़े नहीं उठाएगा इसके, भले ही एक फॉक्स है, लेडी है, मतलब फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, मुलायम गद्दों की बात ही अलग होती है। और इतने ज़्यादा मुलायम प्रेशर झेलने के बाद मन में सोचते फॉक्स कह रही होती है मुझे जी चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैं अगर ऐसे ही लिटिल फॉक्स बनकर रहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि अपने ह्यूमन फॉर्म में, मैं नहीं आने वाली अपने ह्यूमन फॉर्म में अभी। तभी जो अंकल लान होते हैं वे सब कुछ देखने में लगे हुए होते हैं और मन में सोचते क्या लगता है उन सभी को इस तरीके से देखते हुए, और कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि पहले की वह काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाए। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस फेंगर फॉक्स एम्परर की तरफ से, यहाँ पर वो अपने फॉक्स क्लैन में चला जाता है। यहाँ पर जो जिन लोगों ने उसे उस प्रिंसेस के बारे में रिपोर्ट दी थी वे पूछते हैं क्या एम्परर आप वापस आ गए, और जो एम्परर होता है इस वक्त वह अपनी इंसानी फॉर्म में होता है और उसके जो चमचे होते हैं वो एम्परर से पूछने लगते हैं आखिरकार ये कैसा हो गया, ये मैजेस्टी आप बताइए क्या आप हमारी प्रिंसेस को वापस लेकर आए, क्या आपने उस मॉडल को अच्छे से लग सिखाया। और वो उल्टा सीधा उस मॉडल के बारे में जाने कि जियांग चैन के बारे में बोल रहे होते हैं और इतनी तब बकवास करते हैं कि एम्परर को बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन इसके बाद इतनी बकवास सुनने के बाद एम्परर यानी कि फॉक्स एम्परर की सड़क जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वह दोनों लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं अगर कर प्रिंसेस को आप अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए हो। और इतनी ज़्यादा सटकने के बाद जो फॉक्स एम्परर होता है वो चिल्लाते हैं उन लोगों से कह लगता है कि तुम दोनों के दोनों अपना मुंह बंद करो, और इतने ज़्यादा जोर से चिल्लाता है कि वे दोनों के दोनों वहीं पर डर कर कांप जाते हैं और वो भीख मांगने लगते हैं अपनी जान की। और फॉक्स एम्परर उनसे कहने लगता है कि यहाँ पर इस मैटर के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा आज से। तभी वो पूछने लगते हैं तो आखिरकार हमारी प्रिंसेस के बारे में क्या, तभी एम्परर उसे बताता है कि वह उसकी किस्मत है तो अब उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है उसकी किस्मत से, तो हम लोग सभी लोग अपने फॉक्स लेने वापस जा रहे हैं और वैसे ही वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जियांग चैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सोते हुए उठता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जूलिन होती है, युल्लान होती है, जो फॉक्स होती है, कोई यूनजी और तो और अंकल लान भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं कि बस उसके नाम पर से उसके यहाँ पर कोर्टयार्ड के अंदर घुसने पर से उसकी यारत हो गई थी फॉक्स एम्परर की। और इस तरीके की चमकती हुई आंखें देखने के बाद जियांग चैन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और मन में सोचते क्या लगता है मैंने तो बस एक झपकी ली है, लेकिन इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है। और जब एम्परर आया था तब जो जियांग चैन था वह सोने में लगा था लेकिन उसमें कुछ भी समझ नहीं आता और मन में सोचते क्या लगता है फिर से कि आखिरकार यहाँ सब चल क्या रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता और अगर मुझे इसके बारे में पता भी नहीं होगा तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तभी कोई उनजी के पास जाता है और उससे पूछ लगता है जो बुक मैंने तुम्हें रीड करने के लिए दी थी आखिरकार उसका तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या वे काम किया तुम्हारे लिए। तभी वो बताने लगता है मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद वाकई मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और इस बात पर मुझे भरोसा है कि मेरी जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी युल्लान के पास जाता है और उससे पूछ लगता है तुम कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही ध्यान लगाकर पढ़ने में लगी हो और इतना ज़्यादा ध्यान लगाकर सीखने के कारण मैं तुम्हारी इस मेहनत से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, लेकिन म्यूजिक सीखने के लिए तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि इस म्यूजिक में तुम्हारा खुद का ओपिनियन भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी जुल्लान उससे कह लगती है हाँ जी मास्टर। तभी वह जूलिन के पास जाती है और उससे कह लगती है अब तुम्हारी बारी है, लेकिन जूलिन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और वो शर्माते हुए अपना उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ गया होता है और उससे कह लगती है मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बस ऑर्डर दीजिए। और मन में सोचते कह लगती है कि जो हमारे सीनियर है उन्होंने लास्ट में ही मुझे इंटेंशनली मेंशन किया है, इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हैप्पी है। तभी अंकल आन वहाँ आते हैं और उससे कहने लगते हैं ये यंग मस मतलब उसको लेकर कभी तो खुश हो रहे हो, तभी जियांग चैन उससे कहने लगता है तुम्हारी जो परेशानी है, तुम्हारी जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज मतलब कई सारे ट्रीटमेंट का हमने इस्तेमाल कर रखा है और जो ट्रीटमेंट मैंने किए थे उसके जो अफेक्ट है वह भी तुम्हारी बॉडी में दिख रहे हैं और पहले के मुकाबले में तुम्हारी बॉडी कंडीशन भी ठीक हो गई है और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वह फाइनल स्टेप होने वाला है
और उस तुम्हारी बॉडी से कम्प्लीटली तुम्हारी परेशानी को, तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कर दिया जाएगा। ऑरिजिनली बताऊँ तो ये जो प्रोसेस थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, लेकिन तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि जब हमने पहली दो बार ट्रीटमेंट को ट्राई किया था वह अच्छे से काम कर गया था, और अब समय आ चुका है कि हम अपने लास्ट स्टेप का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बात ये सुनती कि इसकी पूरी बीमारी ठीक हो चुकी है, मतलब होने वाली है, तो ये जूलिन होती है मन में सोचते कभी तक घबराने लगती है, और उसके दिल में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हो किसी अपने से दूर जाने पर लगता है जैसा। और वो कह लगती है, क्या मेरी बीमारी सच में ठीक हो जाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसा दुनिया में पॉसिबल था? ऐसा तो दुनिया में किसी ने नहीं बताया। और ये जो परेशानी, जो बीमारी है, वो मुझे बचपन से ही परेशान करने में लगी हुई थी, तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो मेरी बीमारी थी वो कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बल्कि मैं हेवनली इन सफरिंग मर्डेंस है। और लोगों ने तो मुझे ये भी कह दिया था कि जब ये बच्ची ऐसी है कि ये कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकती, और तभी सब लोगों ने मुझे ये भी ताना मारा था कि एंशिएंट क्लैन की डिसेंडेंट कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगी, जो कि मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा था। और सभी लोग मुझे यह कहा करते थे कि ये एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, और किस तरीके से इसकी इतनी बुराई किया करते थे बचपन से लेकर आज तक, और इतनी बुराई करने के कारण इसके जो दिल की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है, और कोई भी इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और तभी हमें एक हॉल के बारे में दिखाया जाता है, और तभी हमें छोटी जूलान को दिखाया जाता है जो कि अंकल लान से कहने में लगी होती है और उसे बुलाती है। तो अंकल लान कहते हैं, क्या हुआ लिटिल मिस? और तभी जूलान उससे पूछती है, क्या मेरे फादर मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं? क्या मैंने कुछ उल्टा या फिर गलत कर दिया है? तभी अंकल लान उसे बताने लगते हैं, मुझे पता है यंग मिस, आप बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस तुम्हारे जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे और इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए हैं तुमसे, क्योंकि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई थी। ये बात सुनने के बाद जो जूलिन होती है वो एकदम से रोना चालू कर देती है, घबराने लगती है, और वो देखती है और उससे कह लगती है, अंकल लान लेकिन आप कहते रहो कि फादर मुझसे गुस्सा नहीं है, लेकिन इन्हें देखो तो ज़रा, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और उन्होंने मुझे आज तक मुड़कर नहीं देखा है प्यार की नज़रों से। और अंकल लान को भी इस पर कुछ डाउट हो रहे होते हैं और उससे कह लगते हैं, यंग मिस आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो फादर है वो बस काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आपके लिए तो बेटर होगा कि आप अपना ख्याल अच्छे से रखें। कैसा लगेगी अगर आप कल्टीवेट करके अपने फादर को दिखा दो फ्यूचर में और उन्हें सरप्राइज कर दो तो? और इस बात को लेकर वह कभी तो खुश हो गई होती है। यहाँ पर वो मन में सोचते कह रही होती है, अंकल लान मुझे सच सच बताओ तो मुझे इसके बारे में पता हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी बॉडी के अंदर हेवनली जेन सर्विंग मेडेंस है और मैं कभी भी अपनी लाइफ टाइम में कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगी, और मुझे ये भी पता है कि जो वॉइड ट्राइब है वो कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है, और मुझे ये भी पता है कि इसका जो स्टेट, मेरा जो स्टेटस है इस क्लैन में काफ़ी ज़्यादा लो है, और मुझे सभी लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट भी करते हैं, और मेरा जो ब्रदर है वो भी मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा बुरा समझता है मुझे और शर्मिंदगी महसूस करता है जब मेरे टॉपिक पर बात आती है। तो और मुझे ये भी पता है कि मैं अपने फादर की नज़रों में किसी धूल के समान हूँ, लेकिन ये सब मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो मेरे साथ, ये सब मेरी बीमारी कारण हो रहा है, वो भी हेवनली जेन सर्विंग मर्डन के कारण। लेकिन अगर मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दूं और हेवनली जेन सर्विंग मर्डन का असर तोड़ दूं और प्रूव कर दूं कि मैं भी कल्टीवेट कर सकती हूं, उस कर्ज को छोड़कर अपनी बॉडी से हटा सकती हूं, और अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं इस बात पर विश्वास करती हूं कि जो मेरे फादर है वो मुझको लेकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, और मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अगर कर कितना डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए, लेकिन मैं पूरी जी जान लगा दूंगी अपनी और अपनी पूरी पूरी लाइफ में सबको सर्च करूंगी और कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाल लूंगी जिससे कि मैं हेवनली जेन सफरिंग मर्डेंस की बीमारी का इलाज ढूंढ सकूं जल्द से जल्द। और तभी भी किताबों में खोजना चालू कर देती है इस बीमारी का इलाज, और वो कई सारी बीमारी को चेक करती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बीमारी चेक करते समय उसके फादर आते हैं और कनपट में खींच के बजाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम गिव अप कर दो इस बीमारी को ठीक करने के लिए, और इस तरीके की यूनिक मर्डन होना तुम्हारी किस्मत में है लिखा हुआ है और तुम्हें अपनी किस्मत को अपनाना होगा, और जबकि तुम्हारी किस्मत है तो अब इससे पीछा मत छुड़ाओ। और इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये इसका फादर है और कोई नहीं, और वो अपनी डॉटर जाने की जुल्म को भी पीट रहा है। यहाँ पर लोग इसकी इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा बदनामी कर रहे होते हैं, कह रखते हैं, क्या ये लड़की सचमुच सोचती है कि हेवनली जेन मर्डेंस की बीमारी को ठीक किया जा सकता है? जो मेथड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको ढूंढने का कोई फायदा भी नहीं होता, और तुम अगर ऐसा करती हो तो लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में यही कहेंगे कि तुम पागल हो, पगला गई हो, दिमाग खराब है और कुछ नहीं। और अंकल लाल ये सोचते हो कभी तक घबरा रहे होते हैं, और भाई उसकी जो हालत हो रही होती है संभव बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। और तभी अचानक से कहानी आती प्रेजेंट में, जो अंकल लाल होते हैं उसे जगाने की कोशिश करते हैं, यंग मिस होश में आइए, और उससे घबराते हो कह लगते हैं, यंग मिस क्या हुआ, आप किस बारे में सोचने में लगी हुई थी अचानक से और अचानक से फ्रीज क्यों हो गई थी, क्या आप ठीक है, क्या आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की परेशानी है? तभी जो यंग मिस होती जाने की जूलिन होती है वो इस पुरानी यादों को सोचने के बाद कहीं शौक हो गई होती है और उससे कह लगती है, नहीं मैं बस कुछ सोचने में लगी हुई थी, आखिरकार हम कहाँ पर थे? तभी अंकल लान उससे कह लगती है, आप क्या कह रही हो, आपने जो हमने जो भी कहा वह आपने कुछ भी नहीं सुना? तभी जो यंग चन होता है उससे कह लगता है, कोई बात नहीं मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बारे में। और जैक्सन उससे कहने लगता है, मैं तुमसे यह कह रहा था कि तुम्हारी जो बॉडी है उसमें ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा सालों से है, मुझे पता है तुम्हारे लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं है, लेकिन ये बीमारी मेरे हाथों में आने के बाद तुम्हारे लिए ये बीमारी ब्लेसिंग भी हो सकती है।
ये बात सुनने के बाद जुलिन का दिल शॉक हो जाती है और उससे पूछ लगती है, क्या ब्लेसिंग ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जहाँ पर कहानी थोड़ी सी पास्ट में जाती है, जहाँ पर जियांग चैन मन में सोचते कहने में लगा होता है एक रात में मेरा जो गैस था वो बिल्कुल सही था, जब तक मैं इस जुलिन की बॉडी में इसकी बॉडी के जो यिन है, यिन क्यू है, इसकी बॉडी को सर्टेन रेंज तक कंट्रोल कर लूं, तो इसकी जो एनर्जी है मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसके फायदे के लिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं जुलिन को एक ड्रग से कंपेयर करूँ, हमें जुलिन की क्वी को एनर्जी को ड्रग से किसी ड्रग से कंपेयर करूँ तो इस मेडिसिन में 3 तरह के पॉइजन हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं पॉइजन को हम अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सही मात्रा में इस्तेमाल करें तो जो जहर है जो पॉइजन है वो भी किसी की जान बचा सकता है, और मैं अपनी इस मेडिकल स्किल्स के साथ ऐसा पॉसिबल कर सकता हूँ। तभी जो अंकल लान होते हैं वो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता और सभी के सभी ये बात सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं। जुलिन उससे कह लगती है, क्या मैंने अभी भी गलत सुन लिया है? क्या आप कह रहे हैं सीनियर कि जो हेवनली जिन सेवन मर्डन से जिसने मुझे इतने सालों तक परेशान करके रखा हुआ था वो मेरे लिए किसी ब्लेसिंग भी हो सकती है किसी प्रकार की? तभी जियांग चैन उससे कह लगता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो बीमारी है उन्हें सीधी तरीके से इंटरप्ट किया जाए तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो यिन क्यू है वह कंडेंस होने में लगी हुई है, जिसके कारण तुम्हारे जो ओरिजिन से वो थोड़े डैमेज हो गए हैं, जिसके कारण तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी। लेकिन अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बताऊं तो जो वुमेन्स है वह यिन एनर्जी के साथ ही पैदा होती है, और अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी वुमन के अंदर और ज्यादा मात्रा में जिन एनर्जी आ जाए तो ये उनके लिए बुरी बात नहीं हो जाएगी, और अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जिनकी मौजूद है उसे सर्टेन रेंज तक कंट्रोल कर लूं तो मैं ऐसा पॉसिबल कर सकता हूं तुम्हारे लिए, जिससे कि जो जिन एनर्जी वो तुम्हारी बॉडी के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी फ्यूचर में। कैसा रहेगा कि अगर हम इस समय के दौरान तुम्हारा जो ओरिजिन है जो कि इतने सालों से तबाह हो चुका था उसे फिर से रिपेयर किया जाए तो? और अगर हम ऐसा करते हैं तो सिर्फ तुम्हारी डिसीज ही पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी, यानी कि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं जाएगी, बल्कि मैं तुम्हारी जो बॉडी है वो पहले के मुकाबले में और ज्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी मात्रा में यिन एनर्जी मौजूद है। ऑफ कोर्स मैं बस कह रहा हूँ कि ये बस मेरा आइडिया है, और ये बात सुनने के बाद जो जुलिन होती है उसके आंसू निकल पड़ते हैं और वो काफी तो इमोशनल हो जाती है। तभी जियांग चैन उसके पास आता है और इस तरीके से रोते हुए शांत कराता है और उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि इतने सालों तक तुम्हें काफी तक परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हारी लाइफ का तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें चुनने का अधिकार देता हूं मैं, आखिरकार तुम क्या चुनना चाहोगी? चाहो तो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से पूरी की पूरी तरीके से इस हेवनली जिन सेवन मर्डन्स को तबाह कर सकता हूं, मिटा सकता हूं, और चाहो तो तुम इसको अपनी बॉडी के अंदर बनाकर किसी ब्लेसिंग की तरह बना सकती है इसको। ये बात सुनने के बाद वो काफी तो इमोशनल हो गई होती है, और जिस तरीके से जो इसका जो हाथ है जियांग चैन का उसके सर पर पैट कर रहा है तो उसका चेहरा ये देखकर कभी लाल पड़ जाता है और काफी तो क्यूट दिख रही होती है और उसे रोने से शांत करा रहा होता है। और तभी जो कुछ जी होते हैं उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, उसे देखकर आके उसकी पसीने छूट जाते हैं और आके फटी पटी रह जाती हैं और कह रहा होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है इस दुनिया में? ये तो वाकई में अनबिलीवेबल है, मुझे इस बात पर कोई विश्वास नहीं हो रहा। अगर किसी कल्टीवेटर के तौर पर इससे बात किया जाए तो जो बीमारी है हेवनली जिन सर्वाइव मर्डन्स वो किसी टॉर्चर से कम नहीं है। मैं कई हजार सालों से जिंदा हूँ इस दुनिया में, लेकिन मैंने आज तक इस दुनिया में किसी को भी यह कहते हुए नहीं देखा कि इस बीमारी का कोई इलाज भी है। और जब जुलिन को बीमारी को ठीक होते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब जो यह सीनियर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगे हुए थे, उस वक्त मैं वाकई में एक नंबर से शॉक हो चुका था ये जानने के बाद। लेकिन अब जो ये बात सीनियर कहने में लगे हुए हैं इस बात पर तो मैं क्या करूं, विश्वास करूं या ना करूं? ये सीनियर कह रहे हैं कि इतने सालों से जो बीमारी जुलिन को परेशान और टॉर्मेंट मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर करने में लगी हुई थी वही बीमारी अब इसके लिए किसी ब्लेसिंग की तरह भी बन सकती है और ट्रांसफॉर्म हो सकती है। क्या जो सीनियर अभी कहने में लगे हुए हैं वह सच है? और अगर हम ये बात सच है तो ये जुलिन के लिए वाकई में बहुत ज्यादा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जुलिन भी मन में सोचते कह रही होती है, क्या ये पैसा पॉसिबल हो सकता है? जो बीमारी मुझे बचपन से लेकर आज तक परेशान करने में लगी हुई थी और जिसने मुझे आज तक कल्टीवेट नहीं करने दिया और जिंदा रहना मेरे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, और मैं इस बीमारी को अपने लिए किसी ब्लेसिंग की तरह भी बना सकती हूँ, तो मैं सच सच बताऊँ तो इस बात को जानने के बाद मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। लेकिन इस समय पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बॉडी के अंदर से हेवनली जिन सेवन मर्डन्स है वो जल्द से जल्द तुरंत के तुरंत ठीक हो जाए। लेकिन इस समय पर जो सीनियर मेरे सामने खड़े हुए हैं, जो ये सीनियर मुझे अपॉर्चुनिटी देने में लगे हुए हैं, उस अपॉर्चुनिटी की जरूरत मुझे फ्यूचर में पड़ सकती है। भले ही मेरी हेवनली जिन सेवन मर्डन्स ठीक हो जाए, लेकिन अगर मैं उस अभी कल्टीवेट करना स्टार्ट करती हूँ तो ये मेरे लिए आगे चलकर काफी ज्यादा परेशानी वाली बात होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीमारी ठीक होने के बाद कल्टीवेट करना स्टार्ट भी कर दूं तो मैं अच्छी प्रोग्रेस भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं बाकियों के मुकाबले में काफी तो लेट स्टार्ट होंगी मेरी कल्टीवेशन होना, और जिनके पास हॉली बॉडी है उनके खिलाफ कम्पीट करना मेरे लिए ये वाकई में किसी बेवकूफ जैसा ख्याल है। अगर वाकई में फ्यूचर में इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली तो, और इसके बाद मेरे जो पाथ है मेरे जो फ्यूचर है वो काफी तो डिफिकल्ट हो जाएगा। और तभी जो जुलन होती है वो अपना डिसीजन ले लेती है और जियांग चैन से कह लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं चाहूंगी कि आप इस बीमारी को मेरी बॉडी के अंदर ही छोड़ सकते हो, और मैं अपने इस सीनियर पर विश्वास करना चाहूंगी और मैं करती हूँ विश्वास। तभी जियांग चैन उससे कह लगता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि मैंने तुम्हें इस मैटर के बारे में बताया हुआ है तो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, और जबकि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस बीमारी को मैं तुम्हारी ब्लेसिंग में बदल दूंगा
तो मैं इसको तुम्हारी ब्लेसिंग में बदल दूंगा। ये बात सुनने के बाद जुलिन कहते एक्साइटेड होते हैं, उससे कहने लगती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। और दूसरी तरफ जो अंकल लान होते हैं और जो झुंझी होते हैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं, क्या करें चल क्या रहा यहाँ पर। और वो कतई रोना चालू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हुए इतना ज़्यादा कपड़ा कपा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अंकल लान ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रेट बात है। और कतई इमोशनल हो जाता है और इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वहाँ पर जोर जोर से रोना चालू कर देता है। और तभी जाकर उससे कह लगता है ठीक है अब हमारे इलाज का जल्दी ही समय आने वाला है तो आज तुम्हें अच्छे से याद कर आराम करना होगा और कल से हम तुम्हारी इस बीमारी का इलाज ठीक करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं। तभी हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो झूलिंग होती है वो एक कमरे में आराम से खड़ी हुई होती है। तभी अंकल लान उसके पास आते हैं और उसे बुलाते हैं और वो उससे कहने लगते हैं यंग में मैं आज वर्ल्ड लोन में वापस जाने वाला हूँ, क्या आप चाहती हैं कि सीनियर आपको जो ठीक करने में लगे हो उस बीमारी से उस फैक्ट के बारे में मैं आपके फादर को जल्द से जल्द बता दूं कि आपके हेवली जिन सेवरिंग मर्जेंस को ठीक किया जा सकता है और सीनियर उसे ठीक करने में लगे हुए हैं। ऐसा जूली ने अंकल लान से पूछ दिया। तभी अंकल लान उससे कह लगते हैं आपने बिल्कुल सही कहा आपको वर्ल्ड लोन से बाहर जाए हुए काफी समय गुजर चुका है, मुझे पता है जो हमारे लॉर्ड है उन्होंने आपको लिमिटेड समय दिया है और वह समय जल्दी खत्म होने वाला है। मैं इस बात का इंतजार करना चाहता था और अपनी आंखों से देखना चाहता है किस तरीके से आपकी हेवनली सेवरिंग मर्जेंस जल्दी से ठीक हो जाए और पूरी तरीके से रिकवर हो जाए ताकि हम एक साथ मिलकर क्लैन में वापस जा सके। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है जो वो भी हुआ है उस बात को लेकर मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ और ऐसे समय पर अगर यंग लॉर्ड आप मतलब जो आप हमारे जो लीडर है वर्ल्ड क्लैन के वे इस समय पर आपको ढूंढने के लिए आ गए तो आप अपने फादर का टेम्पर तो जानती हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और जैसा कि आप जानती हो कि ये वर्ल्ड क्लैन का लीडर है और एक तो एक कल्टीवेटर है और इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है कि कोई आम इंसान उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता आम कल्टीवेटर तो, और जो भी वह कहता है वह करके दिखाता है। और अगर वह यहाँ पर आता है तो मैं इस बात को मैं समझ सकता हूँ और जानता हूँ कि अगर वह आपके फादर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट चढ़ जाएगी और ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला वहाँ पर जाऊँ और एक्सप्लेन कर दूँ सारी की सारी सिचुएशन उस लॉर्ड को। ये सुनने के बाद जो जूलिन होती है वो कितनी शौक हो जाती है जहाँ पर वो उस समय के बारे में याद कर रही होती है जब उसके फादर ने उससे कहा था कि अब तुम्हें कभी भी इस बीमारी को ठीक करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और जूलिन ने उससे कहा था मैं आज के बाद कभी इसके इलाज के बारे में नहीं बात करूंगी। तभी इसके फादर उससे कह लगता कि मुझे कविता अच्छा लगा कि तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और उससे कह रही होती है पास्ट के समय में याद कर रही है उस मेमोरी को और कह रही होती है मैं समझ सकी कि जो हेवलियन सेवरिंग मर्डर्स है उसका जो सॉल्यूशन है वो उसका कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है ही नहीं, मैं बस आपसे इस बात की परमिशन मांगना चाहती हूँ ताकि मैं इस बहुत बड़ी दुनिया में घूम सकूँ और एक बार मैं अपनी इस इच्छा को पूरी कर लूँ तो उसके बाद मैं क्लैन में वापस आ जाऊँ और आप जैसा कहेंगे मैं उस तरीके से रहूँगी और किसी भी प्रकार का कोई भी ख्याल नहीं लाऊंगी इस बीमारी को लेकर। तभी उसके फादर उससे कह लगता है कि इस बारे में भूल जाओ जब तक इतनी डेडलाइन में तुम्हें दे रहा हूँ डेडलाइन तो वापस आ जाती हो तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं है बाकी का सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये बात सुनने के बाद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके फादर ने इस बात की परमिशन दे दी और उससे कहने लगती है मैंने उससे शुक्रिया कहती है अपने फादर से। तभी अचानक से उसके फादर होता है उस पर प्रेशर छोड़ देता है अपनी एनर्जी का और उससे कहने लगता है उसका फादर जूलिन से कि तुम्हारा जो फादर है तुम इस बात को जानते हो कि तुम्हारा फादर तुमको लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता है अगर ज्यादा कुछ नहीं तो तुम्हें जल्द जल्द यहाँ पर वापस आना होगा और तुम्हारे फादर तुम्हारे यहाँ पर इंतजार करेंगे। और तभी इस बारे में सोचने फिर से पड़ जाती है सोच में। तभी अंकल उसे उसे सोच से जगाते हैं और उससे एक्साइटेड में कहने लगते हैं कि जो आपका ट्रीटमेंट है वह बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुका है तो चाहे कुछ भी हो जाए आप इस ट्रीटमेंट के बीच में इस ट्रीटमेंट को छोड़कर नहीं जा सकती। और बात करें तुम्हारे इस हेवनली जीन सेवरिंग मर्जेंस की जब तक यहाँ पर यह सीनियर मौजूद थे जब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली अब बस हमें इस बात का कंफर्म करना है कि किस तरीके से हम अपने लॉर्ड को मनाएं इस बात के लिए। ये बात सुनने के बाद वह भी शौक हो जाती है और उससे कहने लगती है अंकल लान आपको तो मुझसे ज्यादा मेरे फादर की पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा अगर इस मैटर के बारे में मेरे फादर को पता चल गया तो ये वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाली चीज हो जाएगी। आखिरकार स्टार्टिंग से ही ये इस बात के आइडिया को लेकर काफी ज्यादा दुखी थे और काफी ज्यादा नाराज और काफी ज्यादा अनहैप्पी थे कि मैं अपनी इस हेवनली जिन सेवरिंग मर्जेंस को ठीक कर लूं और मैं हमेशा इस बात को लेकर गिव अप किया करते थे मुझे और मैं कहा करते थे कि यही मेरी किस्मत है और मुझे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ऐसे समय पर ऐसे मूवमेंट पर अगर उन्हें इस बात के बारे में पता चल गया और वर्ल्ड क्लैन के सामने ये सब कह दिया आपने तो मुझे इस बात का डर है कि ये चीज बिल्कुल भी आसानी से नहीं होने वाला वहाँ पर कुछ भी और फादर को अगर इस बारे में पता चला तो वह इस बात को लेकर काफी डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले की तरह मुझे मजबूर करें मेरी किस्मत को एक्सेप्ट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ अगर सीनियर जियांग के द्वारा मेरी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दिया तो कर दिया अगर उसके बाद मेरे फादर को पता चलता है कि मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है तो मेरे फादर भी उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन तभी जो अंकल लान होते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं यंग मिस चाहे कुछ भी हो जाए इस मैटर को यंग मतलब हमारे लॉर्ड को पता होना चाहिए आप उनसे इस मैटर को छुपा कर नहीं ज्यादा देर तक रख सकती आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर लॉर्ड इस बात को लेकर काफी गुस्से में आ गए तो मैं अभी भी आपके पास मौजूद हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं आपके लॉर्ड को बना सकूँ। यंग मिस मैं जानता हूँ कि कई सालों से आपको
वह चीज नहीं मिली है जो आपको मिलनी चाहिए थी हकीकत में। और आपने अपनी पूरी पूरी लाइफ में काफी इतना ज्यादा मेहनत की है ताकि आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल पाए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इस समय पर जो जुलन होती है इसकी इतनी ज्यादा इमोशनल बातें सुनते हो, कभी तो दास और कभी तो रोना चालू कर देती है कि उसके फादर के मैटर के बारे में ना बताया जाए। लेकिन अंकल लान उससे कहने लगते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि ये आपके पास एक लास्ट मौका होगा, लास्ट चांस होगा। अगर लॉर्ड को इस बारे में पता चला कि आपने बिल्कुल भी इसके बारे में लॉर्ड को नहीं बताया हुआ है तो उनके दिल इस उसके मतलब हमारे लॉर्ड के दिल में यह बहुत ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और ये बात को वह बुरा मान जाएंगे। लेकिन मुझे इस बात के बारे में ट्राई तो करना ही पड़ेगा और लॉर्ड को मनाना होगा कि वह इस बात को एक्सेप्ट कर ले। और अगर मैं ऐसा करता हूँ और जब तुम रिटर्न मतलब हमारे क्लैन में वापस आओगे बिल्कुल ठीक तरीके से तो आपको लेकर बहुत ज्यादा बड़ा चेंज होने वाला है क्लैन में और उसके बाद आपको और ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स भी मिल पाएंगे पूरी क्लैन में। इस बात को सुनने के बाद जो जुलिन होती है वो गले लग जाती है अंकल लान से, उससे कहलगती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल लान, और अंकल लान भी उससे कहलगते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा है। तभी जो जुलिन होती है उससे कहलगती है लेकिन तुमसे मुझे एक वादा करना होगा, अगर मेरे फादर किसी प्रकार की परेशानी खड़ी करते हैं आपके लिए तो आप उनकी परेशानियों में बिल्कुल भी सामना नहीं करेंगे और आपको अपना ख्याल रखना होगा अंकल लान। और तभी जो अंकल लान होते हैं वो अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में सोचने लगते हैं जहाँ पर दुल्हन की जो मॉम होती है उस मोमेंट के बारे में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर उसकी मॉम उसे बुलाती है यार लान क्या तुम यिंग लान हो। तभी जो अंकल लान होते हैं वहाँ पर पहुंच जाता है और उससे कहता है हाँ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तभी उसकी मॉम उससे कह रही होती है दुल्हन की मॉम उससे यिंगलिन से मैं तुमसे एक चीज चाहती हूँ प्लीज प्लीज मेरी डॉटर का ख्याल रखना हमेशा मेरा। और तभी वो इस बात को याद करके अंकल लान वहाँ पर इमोशनल होकर रोना चालू कर देते हैं और कह रहे होते हैं हाँ ठीक है मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और तभी मैं यंग मिस से कहता है अच्छा ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगा, अब मेरा समय आ चुका है कि मुझे जाना चाहिए यहाँ से। और दूसरी तरफ रात का सीन होता है, दूसरी तरफ हमें जियांग चैन के जहाँ पर दिखाया जाता है जो कि कल की बीमारी को ठीक करने के लिए तैयारी करने में लगा हुआ है और आज की जो नाइट है वो काफी ज्यादा टेंशन भरी होने वाली है। और इसी रात में एक छोटा सा हट दिखा जाता है उसी घर के पास जहाँ पर जो यिल्लान होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, उसकी चिंता कर रही होती है कि जुलिन को कुछ होना जाए और वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। और तभी उसके ग्रैंडफादर आते हैं उसके पास, उसे क्या लगते हैं यिल्लान तुम जुलिन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो, अब समय आ चुका है और हम चाहते हैं कि हम सीनियर पर पूरी तरीके से विश्वास रखें कि वह काम कर सकते हैं अपना। और तभी हमें जुलिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीमारी के जस्ट एक दिन पहले थोड़ा सा कल्टीवेट करने में लगी हुई है और अपने थॉट्स को शांत करने में लगी हुई है एक कमरे में अकेली बैठकर और कंसंट्रेशन बना रही है अपना। दूसरी तरफ हमें जियांग चैन को दिखाया जाता है जो कि कल की बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का इंतजाम करने में लगा हुआ है और जाकर कई सारी जड़ी बूटियों को उठाता है और सारी की सारी टेक्निक को एक बार प्रैक्टिस कर लेता है और हर तरीके की सिरिंज को अपने पास रख लेता है और एकदम से सीरियस हो जाता है कि अब समय आ चुका है इसकी बीमारी को ठीक करने का। और तभी नेक्स्ट डे के मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुलिन और युल्लान वहाँ पर पहुंच जाते हैं जियांगचैन के पास। तभी जुलिन कहने लगती है सीनियर, तभी इस तरह की कंडीशन देखने के बाद जो जियांगचैन होता है उससे क्या लगता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम काफी फिट कंडीशन में हो, तो अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मैं सारी की सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कर करके आखिरकार मैं किस तरीके से फाइनल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है कि जो कुछ मेडिसिन है तुम्हें इसे बॉयल कर इसके बाद लेना पड़ेगा और ऐसा करने से तुम्हारे बॉडी की जो ओरिजिन है वो उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं और ऐसा करने से ट्रीटमेंट के दौरान तुम बेहोश नहीं होगी। और हमारा जो सेकंड मेथड है जिसे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वे एक्यूपंचर मेथड होने वाला है और इसे इस्तेमाल करने का यह कारण है अगर मैं स्टिमुलेट करता हूँ तुम्हारे माइंड को एक्यूपॉइंट्स की मदद से तो तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी और ऐसा करने से तुम्हारे बॉडी के अंदर जो परेशानी जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके सप्रेस होना चालू हो जाएगी। और बात करें थर्ड स्टेप तो ये थर्ड स्टेप है वो तुम पर डिपेंड करता है और तुम्हारी प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। और ये बात सुनने के बाद दुल्हन कहने लगती है आपके कहने का मतलब क्या है कि मेरा प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। तभी जियांग चैन उससे कह लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जैसे ही मैं उनको ओपन करूँ तुम्हारी मर्डेंस को तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो प्योर एनर्जी है उसे इमीडिएटली कंबाइन कर लेना है तुम्हारी बॉडी की फाउंडेशन के अंदर। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ स्टार्टिंग की टू स्टेप कंप्लीट करने में, लेकिन बात करें लास्ट स्टेप की जो तुम्हारी प्रेजेंस पर डिपेंड करता है, क्या तुम इस बात को लेकर रेडी हो। तभी जुलिन उससे स्माइल मारती है क्यूट सी और उससे कहलगती है हाँ मैं रेडी हूँ सीनियर। और जियांग चैन भी उससे कहलगता है चलो अच्छी बात है कि तुम तैयार हो, और उससे कहलगता है कि अब समय आ चुका है कि हम अपने इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है जल्द से जल्द। दूसरी तरफ हमें असेंशन हॉलीलैंड का सीन दिखाया जाता है और असेंशन हॉली पैलेस का सीन, असेंशन हेवनली पैलेस का सीन जहाँ पर कई लोग आपस में जुड़कर कुछ बातें कर रहे होते हैं और वहाँ का जो लॉर्ड है वो अपने एंसेस्टर को जाकर ग्रीट करता है और उससे क्या लगता है एंसेस्टर मैं आपका स्वागत करता हूँ आप वापस से। और तभी हमें पता चलता है कि ये हॉलीलैंड का एंसेस्टर है जिसका नाम सेन जियाओंजी है जो कि काफी ज्यादा सीरियस मोड में होता है और सभी से पूछने में लगा होता है आखिरकार तुम्हें क्वीन युनजी के बारे में कितना ज्यादा जानकारी है। तभी कुछ लोग आते हैं उससे क्या लगता है कि मैं एंसेस्टर को रिपोर्ट बैक करना चाहता हूँ, हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हुई है कि जो सीनियर क्वीन युनजी है उन्होंने ऑलरेडी यून हॉलीलैंड को काफी समय पहले छोड़ दिया था और उनके साथ उनकी जो सेंतीस त्यांत्याई युल्लान है वह भी उनके साथ आ रही है और वे असेंशन हॉलीलैंड की तरफ बढ़ भी चुके थे। नॉर्मली देखा जाए तो उन्हें एक दिन पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए था
लेकिन किसी कारणवश से उनके जो नामो निशान अचानक से गायब हो चुका है बीच रास्ते में से। लेकिन एंसेस्टर आप इस बारे में जानते ही होंगे कि जो सीनियर कुनी उन्दी है उनकी जो मेडिकल पावर है वो काफी ज्यादा प्रोफाउंड है और ट्रांसेंडेंट इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन लेवल है कि वो हेवंस को भी ट्रांसेंड कर सकते हैं। और मुझे इस बात का डर है कि हम उनका पता लगाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहने वाले और उनके ट्रेस इतने ज्यादा पता लगाने इतना आसान नहीं होने वाला हमारे लिए। और बात करें कि सीनियर क्विंजी उन्होंने ऑलरेडी क्वीन जून हॉलीलैंड को छोड़ दिया है, यहाँ पर निकल चुके आने के लिए। और अगर हम इस बारे में थोड़ी बहुत इंक्वायरी करें तो शायद हम पता लगा सकते हैं। और अगर हम उनके आसपास के जिस रास्ते से वे गए अगर उस बारे में पता लगा तो कैसा रहा है, तो शायद हम पता लगा सकते हैं कि वे कहां से गायब हुए या फिर वे किसी सर्टेन जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन एंसेस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और इस बात को लेकर कभी तक घबरा रहा होता है और घबराते हुए सोचते कहने लगता है, ये मुझे बात हजम नहीं हुई कि वह बुड्ढा आदमी क्वीन जल्दी जाने की जो अपॉइंटमेंट उसने मेरे साथ रखी थी वह उसे सच में मिस कर दी उसने, ऐसा कैसे हो सकता है। और हमें बताया जाता है कि जो क्वीन योनजी और सैनी योनजी बचपन से ही काफी ज्यादा राइवल्स है, बड़े राइवल्स है और ऐसी ऐसी बैटल्स की है जहाँ पर उन्हें अपनी जान दांव पर लगा रखी हो, तो इसी कारण दोनों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ सिंपैथी भी है। और जब सैनी योनजी के बारे में पता चला कि जो उसकी जो दूसरी पार्टी है वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है और उसकी जो ओरिजिनल पावर है वो काफी खतरनाक स्थिति में पड़ चुकी है और काफी इंजर्ड है और जल्द ही मारा जाएगा, तो इस बात को लेकर उस वक्त उसने काफी रिग्रेट महसूस भी किया था। आखिरकार उस एंसेस्टर की जनरेशन के सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि इस समय पर जिंदा बचे हुए हैं। और अगर ऐसा होता है कि जो क्वीन योनजी भी मारा जाता है इस समय पर, तो इस जनरेशन में सैन ज़ियाओजी बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, तो जो बैटल होने वाली है वो इसके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है उन दोनों के लिए, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला, तो इस बैटल को ये लोग टाइम पे करना चाहते थे। और सैन ज़ियाओजी भी ये भी सोचता है, इस बात पर विश्वास करता है और बिलीव करता है कि ये एक ऐसा आखिरी एग्रीमेंट होने वाला है इन दोनों के बीच में जिसके बारे में कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब क्या भाई, जो हमारा एग्रीमेंट था वह तो पूरी तरीके से गायब हो चुका है और उसे पता चलता है कि ये जो बुड्ढा आदमी है क्वीन योनजी वो तो इस बारे में भूल ही गया है और वह मुझसे फाइट करने के लिए आया ही नहीं है। और वह इस बात को लेकर काफी गुस्से में होता है और इतना गुस्से में होता है कि वह आग बोला होता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो उससे कह लगते हैं, एंसेस्टर आप अपने आप को शांत कर लीजिए। और तभी एक बंदा आता है उससे कह लगता है कि मैं इस बारे में सोचने में लगा था, एंसेस्टर क्या ऐसा हो सकता है कि जो क्वीन योनजी है वो ऑलरेडी टपक चुके हैं, हमें बस इतना पता है कि जो सीनियर क्वीन योनजी है उनकी जो लाइफ फोर्स है वो जल्दी खत्म होने वाली थी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वे अपनी लाइफ फोर्स को ज्यादा समय तक मेंशन नहीं कर पाए, माइंड मेंटेन नहीं कर पाए और रास्ते में ही टपक गए। ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो क्वीन योनजी है उसे काफी सीरियस डाउ इंजरी का सामना करना पड़ा था और इसकी फाउंडेशन के कारण क्वीन योनजी हॉलीलैंड काफी स्ट्रांग था। तभी एंसेस्टर उन सभी की ये बात सुनकर कहने लगता है कि इस तरीके की नॉनसेंस करना तुम लोग बंद कर दो, तुम्हें पता भी है कि क्वीन योनजी के कल्टीवेशन के साथ भले ही उसकी जो डाव है वो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो, इसके लिए ये काफी इम्पॉसिबल है कि वो बिना किसी को पता लगे हुए और बिना नोटिस के हुए इस तरीके से मारा जाए। और मैं इस बात को गैस कर सकता हूँ कि वह यहाँ पर नहीं आ पाया, वो उस लड़की उसी ग्रैंड डॉटर के कारण होने में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास हेवनली साउंड हॉली बॉडी है और जिसका नाम तांता युल्लान है। यहाँ तक कि उसके जो कल्टीवेशन करने का तरीका है, उसको जो साइकिक है वो कल्टीवेशन पर रिलाई नहीं करता बल्कि मैं अलाइनमेंट पर रिलाई करता है, और शायद उसी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस के लिए जो क्वीन योनजी है उसकी जो जर्नी है वो स्लो डाउन हो गई हो। तभी वो बंदा उससे पूछ लगता है, एंसेस्टर क्या ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो सीनियर क्वीन योनजी उसके बारे में हमें पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। तभी जो एंसेस्टर होता है ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है और काफी गुस्सा और होता है, खैर भूल जाओ इस बारे में और ये काफी यूजलेस होने वाला है कि हम अपने ही ख्याली पुलाव बनाए, तो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस न्यूज को जल्द से जल्द क्वीन योन हॉलीलैंड तक पहुंचा दो, क्योंकि क्वीन योनजी और तांतन योल्ला है वो अचानक से रास्ते में गायब हो चुके हैं और जितना ज्यादा उन्हें पता रहेगा उतना ज्यादा वे लोग अनसुस हो जाएंगे और इस मैटर के बारे में उन्हें ही परेशान होने दीजिए और हम इस बैटल के मैटर को कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बताइए, जो यूए होंगे उसकी जो कल्टीवेशन है वो रिसेंटली कैसा चल रहा है? तभी यहाँ पर बताया जाता है और कहने लगता है कि मैं एंसेस्टर को रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि आज कुछ समय से जो यूए यहाँ कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा मात्रा में ब्रेक थ्रू करने में लगी हुई है और काफी पावर भी बनते जा रही है धीरे धीरे और इसे इतना ज्यादा समय नहीं लगने वाला जब इसका कल्टीवेशन लेवल और भी बढ़ जाएगा। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर काफी खुश होता है और कहने लगता है बहुत अच्छा ये तो काफी अच्छा काम हुआ। ये बात जानने के बाद मुझे काफी खुशी हुई कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वह भी धीरे धीरे करके कल्टीवेशन में काफी पावरफुल होती जा रही है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है और उससे कह लगता है, एंसेस्टर मेरे पास एक न्यूज है जो कि मैं आपको बताना चाहती थी कि जो युए हुआ की यंगर सिस्टर है युआन हुआ उसकी जो है इमोर्टल डाव फिनिक्स बॉडी है वो अचानक से अवेकन हो चुकी है कुछ समय पहले ही। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कोई उड़ते हुए उसकी तरफ आने में लगा हुआ होता है। यहाँ पर एंसेस्टर को ये बात पता चलती है कि इसकी इमोर्टल डाव इमोर्टल फिनिक्स बॉडी साइको अवेकन हो चुकी है, तो वो ये जानने के बाद कभी तो शौक होता है उससे लगता है आखिरकार कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, अगर उसकी इमोर्टल फिनिक्स बॉडी कैसे जाग उठी, यहाँ तक कि मैंने भी काफी तो कोशिश की थी तब भी नहीं कर पाया था मैं तो। और तभी कोई इससे क्या लगता है इस बारे में जो मुए होंगे उसके बारे में किसी में भी कभी भी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया इस बारे में और मैंने भी इससे ज्यादा जानकारी हासिल करने में नहीं पूछा और मुझे भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तभी हमें किसी को उस जगह पर आते हुए दिखाया जाता है। तभी एंसेस्टर उससे कहने लगता है उस बंदे से, खैर इस बारे में भूल जाओ,
जब तक उसने एक अच्छी मेथड का इस्तेमाल किया हो तब तक कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि हमारे हॉलीवुड में काफी एक और जीनियस आ चुका और तभी हमें यूवी वांग को दिखाया जाता है वहाँ पर, जो कि एक पेंटिंग लेकर आई हुई है। वो पेंटिंग और कोई नहीं बल्कि मैं जियांग जान के द्वारा बनाई गई है, लेकिन अंदर की जा रही होती अभी तो बाहर है। और तभी एनसेट और वो लोग बात कर रहे होते हैं और कोई उसे बता रहा होता है कि मू यूवी वांग के लेवल तक पहुंच चुकी है उसका साइकिल और हमारे हॉलीवुड में टू जीनियस पैदा हो चुके हैं। ये तो वाकई में बोलते खुशी की बात है। तभी हमें यूवी वांग को दिखाया जाता है जो कि अंदर घुस रही होती है उस असेंशन हेवनली पैलेस में। तभी कोई उससे कह रहा होता है कि यहाँ पर अभी तो हमारे एंसेस्टर भी मौजूद है और यहाँ पर जब जो दो सिस्टर है वो ग्रो हो जाएंगी तो हमारे असेंशन हॉलीलैंड का जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली ह्यूमन रेस की सबसे पीक पर पहुंच जाएगा और हम ही सबसे ज्यादा ग्रेट होंगे। और ये बात जानने के बाद सभी लोग हंसना चालू कर देते हैं। तभी जो हमारा ऑथर होता है वो सभी को अटेंशन करके बताता है कि जिस जो इमेज हमें दिखाई जा रही है वह लड़की और कोई नहीं है बल्कि मैं यूवी वांग है और रिसेंटली इसे कई बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वह परेशानी कोई और परेशानी नहीं है बल्कि मैं जियांग चेन के द्वारा दी गई पेंटिंग है। क्योंकि यूवी वांग का रिट्रीव कल्टीवेशन था वह इतना ज्यादा स्मूथ गया कि वे लगातार पे लगातार ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू किए जा रही थी और इसका जो लेवल है कल्टीवेशन का वो लगातार काफी मात्रा में बढ़ता गया। और यूवी वांग ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी सोल और साकी एकदम से फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी और इवेंचुअली वह एक होने के बाद वन, मतलब दोनों के दोनों कंबाइन होने के बाद एक हो गई फ्यूज होने के बाद। और जितना यूवी वांग ने सोचा था उससे ज्यादा इसकी कल्टीवेशन लेवल तरीके से कल्टीवेशन बढ़ने लगा और इतनी ज्यादा रफ्तार से इसका कल्टीवेशन बेस बढ़ने के कारण ये एकदम से शॉक हो जाइए क्योंकि इतना ज्यादा कल्टीवेशन पहुंचने के लिए आम कल्टीवेटर को कई गुना डिकेड में कई सालों की मेहनत लगती है। लेकिन अगर दुनिया को इस बारे में पता चल गया कि इसकी जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस है वो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ने में लगी हुई है तो जो काउंटलेस लोग हैं वो इसके पीछे पड़ जाएंगे और इसको जानने के बाद सभी शॉक हो जाएंगे। और ये मेरे कल किसी और चीज के कारण नहीं हो रहा है बल्कि मैं यूवी वांग के हाथ में एक पेंटिंग है जिसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वे एक ऑर्डिनरी पेंटिंग स्क्रोल है। जब तक यूवी वांग के हाथों में ये पेंटिंग प्रेजेंट है मौजूद है तब तक जो यूवी वांग है वह कभी भी अपने कल्टीवेशन में किसी भी प्रकार की बॉटलनेक को महसूस नहीं करेगी। लेकिन जब से वह असेंशन होली रियलमी में एंटर की है उसका जो कल्टीवेशन है वो स्मूथली नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो इसके हाथों में जो पेंटिंग है वो असेंशन हॉलीलैंड से भी ज्यादा पावरफुल है कि असेंशन हॉलीलैंड में जाने के बाद इतनी नहीं बढ़ रही कल्टीवेशन जितनी सिर्फ उससे ज्यादा तो इस पेंटिंग से बढ़ जा रही है अकेली। और तो और ये जो पेंटिंग मुझे जिस व्यक्ति ने दी है वह एक नंबर का इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल का सबसे ज्यादा टेरिफाइंग सबसे ज्यादा डरावना बंदा है। और तो और सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक बार को यूवी वांग ने यह भी सोच लिया कि उसकी जो सिस्टर है वह उस टेरिफाइंग बीइंग की प्लेथिंग बन चुकी है खेलने वाला खिलौना। भाई कुछ ज्यादा ही ना सोच रही है। और इतना सोचने के बाद यूवी वांग को यह सोच कर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और काफी ज्यादा डर महसूस लग रहा होता है। यहाँ पर वो मन में सोचते कभी तो गुस्सा हो रही थी आखिरकार जो यूवी वांग आखिरकार वो है कौन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो रही होती है कि इसकी जो कल्टीवेशन वो कभी तो बढ़ती जा रही है और असेंशन हॉलीलैंड के बारे में भी चिंता कर रही होती है और वो अपने एंसेस्टर के पास जाते हुए मन में सोचते कह रही होती है कि जो पर्सन है इस इमेज के पीछे इस पेंटिंग के पीछे जो पर्सन है जितना मैं सोच सकती हूँ वो इमेजिनेशन को भी सोच भी नहीं पा रही कि बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है और मैं उस बंदे से निपटने के लिए अकेला कुछ भी नहीं कर सकती। अब समय आ चुका है और ये कंपलसरी और नेसेसरी हो चुका है कि इस मैटर के बारे में हॉली एंसेस्टर को बता दूं और सभी के सभी एल्डर्स को भी इस बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उस बंदे का सामना कर सकें और अगर नेसेसरी पड़े जरूरत पड़े तो हम हॉलीलैंड की पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो सांस लेते हुए अंदर चली जाती है और वो सभी से कहने लगती है कि जो आपके डिसिपल मू यूवी वांग वे हॉलीलॉर्ड और एल्डर से कुछ बातें करना चाहती है और कुछ बताना चाहती है। तभी वहाँ पर उसके जो लॉर्ड होते हैं वो उससे कह लगती है यूवी वांग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम सेकुलेशन कल्टीवेशन करने गई हो रिसेंटली, आखिरकार तुम बाहर क्यों आ गई हो। और तभी उसके जो एंसेस्टर होते हैं वो उसे बताया लगता है लॉर्ड एंसेस्टर को और एंसेस्टर समझ जाता है उससे कह लगता है कि तुम्हें इतने तक बातें करने की जरूरत नहीं है इसे अंदर आने की परमिशन दी जाती है। तभी जो यूवी वांग होती है वो अंदर आती है और उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और उससे कल्टीवेशन होता है वो रिलीज करते हैं सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। और जब यूवी वांग सामने देखती है तो यहाँ पर सिर्फ लॉर्ड नहीं बल्कि एंसेस्टर भी और सारे सारे एल्डर भी मौजूद होते हैं और मैं समझ नहीं पा रही होती कि ये सब चल क्या रहा है और कह लगती है ये तो वाकई में सरप्राइजिंग वाली बात है कि जो हमारे एंसेस्टर है जियाओ जी वह तो कई सालों से सेकुलेशन में कल्टीवेट करने में लगे हुए थे और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है कि इस मैटर के बारे में मैं अपने एंसेस्टर को भी बता दूं और हमारे एंसेस्टर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है शायद ये हमारी मदद कर सके इस परेशानी को सॉल्व करने में। तभी वो उसे ग्रीट करती है एंसेस्टर को और उससे कहलगती है हॉली लॉर्ड और एल्डर्स और इतना रिस्पोर्टफुल तरीके से बात करती है तो जो लॉर्ड होता है वो उससे कहलगता है कि तुम्हें इस तरीके से पोलाइटली बात करने की जरूरत नहीं है यूवी वांग, लेकिन तुम इस समय पर सेकुलेशन में नहीं थी क्या, तो अगर कर तुम यहाँ पर आज क्या कर रही हो।
तभी यूए उससे कह लगती है, मैंने अपना जो रेगुलेशन कल्टीवेशन जिसके लिए मैं गई थी मैंने ऑलरेडी उसे कंप्लीट कर लिया है और मैं यहाँ पर इस पेंटिंग के मैटर को लेकर आई हुई हूँ और मैं एंसेस्टर से इस बारे में बात पूछना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी के सभी लोग इस पेंटिंग को देखें एक बार। लेकिन एल्डर्स और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या ये किस बारे में बात कर रही होती है और टोटली कंफ्यूज होते हैं और पेंटिंग को एकदम से सोच रहे होते भाई नॉर्मल पेंटिंग है और सभी लोग कह रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस पेंटिंग का मटेरियल देखो तो जरा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बस एक जुआन पेपर है नॉर्मल और इतना ज्यादा खास नहीं है इसमें, और सभी लोग उस पेंटिंग की बुराई करने लगे होते हैं। लेकिन जो एंसेस्टर होता है वो उसकी बातों पर ज्यादा सीरियस ध्यान नहीं लेता और उससे क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरीके की पेंटिंग है, चलो इस पेंटिंग को मुझे प्रेजेंट करो, और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है उस पेंटिंग को अपनी तरफ कॉल करने के लिए। और तभी यूए जांग उससे कहने लगती है कि आप इसे देख सकते हो एक बार एंसेस्टर, और तभी एंसेस्टर को बस भरोसा नहीं हो रहा था इस पेंटिंग पर और उसको छूने के बाद कह लगता है कि इस पेंटिंग को छूने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये प्लेन और बिना अनइंटरेस्टिंग पेंटिंग है और इस पेंटिंग के अंदर किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन मौजूद ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी इस बच्ची का एक्सप्रेशन देखो तो जरा, इसका एक्सप्रेशन देखकर लगता नहीं है कि ये पेंटिंग और नॉर्मल है, क्या इस पेंटिंग के अंदर कुछ स्पेशल मौजूद है। खैर इसको ओपन करने के बाद पता चल ही जाएगा और धीरे करके इसे ओपन करना चालू कर देता है और जैसे ही उस पेंटिंग को वह ओपन करता है तो उस हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वह धमाका और किसी और का नहीं बल्कि में आइस का होता है, बर्फीला धमाका होता है और वहां पर जितने भी एंसेस्टर लॉर्ड और एल्डर्स होते हैं सभी के सभी लोग इसको देखकर डर जाते हैं क्योंकि सभी के सभी लोग उस बर्फ में जम जाते हैं और कहने लगते हैं ये कितनी खतरनाक और कितना डरावनी चील है और आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और पूरा पूरा इलाका बर्फ से जम जाता है और सभी के सभी लोग इस बात को लेकर शौक होते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि चल क्या रहा है, और खासकर वह एंसेस्टर जो कि इतना ज्यादा ठंड को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और पूछने लगता है आखिरकार इस पेंटिंग का ओरिजिन कहाँ है और ये कहाँ से आई है पेंटिंग, तुम्हें कहाँ मिल गई। तभी कुछ समय के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी पूरी बर्फ को हटा दिया गया है मैजिक से और सभी को जुकाम हो गया होता है ठंड के मारे और छींकने में लगे हुए हैं और एंसेस्टर उससे पूछ लगता है यूए यांग आखिरकार ये पेंटिंग तुम्हें कहाँ से मिली। और तभी जो यूए यांग होती है वो उससे कह लगती है एंसेस्टर एल्डर्स और लॉर्ड जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं कुछ समय से काफी ज्यादा स्मूथली अपनी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस करने में लगी हुई हूँ रिसेंटली और इसका कारण मेरी कल्टीवेशन का कारण और कुछ नहीं है बल्कि मेरी पेंटिंग है और जो पेंटिंग है वो हाईली आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को कंटेन करती है जो कि आइस और स्नो के बारे में बताती है और आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे कि मेरे पास आइस फिनिक्स साइक्यू है और नेचुरली आप ये जानती हो कि नेचुरली अगर मैं कल्टीवेट करती हूँ तो मुझे आधी मेहनत में डबल रिजल्ट मिलेगा। और बात करें इस पेंटिंग के ओरिजिन के बारे में तो वापस से उस जियांग चेन के बारे में सोचने लगती है और अपनी फैंटेसी में खो जाती है और भाई उसका चेहरा ये सोचती है टमाटर लाल पड़ रहा होता है। यहाँ पर वो इस बारे में सोच रही होती है किस तरीके से जियांग चेन उसे मोलेस्ट जाने की छेड़ने में लगा हुआ है, इसके मजे लेने में लगा हुआ है, किस तरीके से अपना प्लेथिंग बना लेगा और किस तरीके से इसके साथ मजे करेगा, समझ गए गाइस। भाई इसकी सोच बन चुकी है ठगियों वाली और यहाँ पर अचानक से वो अपनी सोच में कहने लगती है और वो जियांग चेन उससे कह रहा होता है इसकी इमेजिनेशन में कि क्या तुम्हें ये पेंटिंग नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरे पास पेपर नहीं बचा हुआ है इस पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए, तो कैसा लगा कि अगर तुम खुद मेरा एक पेपर बन जाओ, जाने की बिना कपड़ों वाली यूए वहां पर वह पेंटिंग करेगा, भाई नवाब इस हो गए इनके। और इस तरीके की सोच सोच कर उसे चकरा जाती है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर चल क्या रहा मेरे साथ, और वो अपने एंसेस्टर को बताती है कि इस पेंटिंग को मैंने एक रिसेंटली एक मिस्टीरियस पर्सन के द्वारा प्राप्त किया है और इसको देखो तो इसे एक मिस्टीरियस पेंटिंग एक बंदे के द्वारा मिस्टीरियस कल्टीवेटर के द्वारा पेंट करा गया है और तो और मैंने इस पेंटिंग के बदले में अपनी बॉडी उसको दे दी और उस बंदे ने ऑलमोस्ट मेरी बॉडी पर पेंट कर दिया होता है और भाई एकदम से लवली डवी वाला सीन आ गया होता है और सोचने में लगी हुई होती है अगर से चल क्या रहा है ये सब। और हर जब भी उस जियांग चेन के बारे में सोचती है तो उसके ख्यालों में सिर्फ जियांग चेन आता है जो कि रोमांस चल रहा होता है उसके साथ और कहने लगती है कि भले ही मैंने उस मिस्टीरियस बंदे के साथ सिर्फ कुछ ही बार कॉन्टेक्ट किया है लेकिन एक बात को लेकर मैं पूरी तरीके से सर्टेन हूँ कि वो मुझे और मेरी सिस्टर को किस तरीके से ट्रीट करता है, जो पर्सन है वो एक नंबर का ईविल है और इसका कोई बुरा प्लान बनाने में लगा हुआ है और वह इतना ज्यादा पावरफुल है और इसका जो इतना ज्यादा बुरा प्लान बनाने में लगा हुआ है कि ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को उथल पुथल करके रख देगा। ये बात सुनने के बाद दोनों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, ये तो शौक हो जाते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरे पंप जियांग चेन को दिखाया जाता है जो कि एक आम इंसान है भाई, तो कुछ भी ना इविल इसका कोई लेने देने नहीं इससे और सभी के सब लोग इस पेंटिंग के बारे में बातें करने लगते हैं सुनने के बाद और एंसेस्टर का तो डर जाता है, उसकी पसीने छूट जाती है ये बात सुनने के बाद और उससे कहने लगता है यूए हांग तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो, तुम होश में हो, तुम्हारे कहने के अनुसार प्रीवियसली जो दायन डायनेस्टी है गोल्डन विंग रॉक लैंड डीमन के साथ उन्होंने फाइट की थी और उनके जीतने का कारण और कोई नहीं है बल्कि मैं ये मिस्टीरियस पर्सन है जिस पर्सन के द्वारा ये पेंटिंग तुम्हें दी गई है और तो और इसी पेंटिंग के द्वारा कल्टीवेशन तुम्हारा काफी स्मूथली चल रहा है और तुमने काफी ब्रेक थ्रू भी मारे हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हारी जो छोटी सिस्टर है उसकी जो है इमोर्टल फिनिक्स साइक्यू जाग उठा है वो भी उस बंदे के कारण ही हुआ है और तुम कह रही हो कि ये सब कुछ हुआ रहा है वो सिर्फ एक बंदे के कारण जो कि एक नंबर का ईविल बंदा है और इस बंदे का बहुत ज्यादा डरावना बहुत ज्यादा टेरिफाइंग कल्टीवेशन है और उसके पास एक ऐसी मैजिक स्किल है जो कि दूसरे को दिमाग को कंट्रोल कर सकती है और वश में कर कुछ भी उससे करवा सकती है
और वह हमारे इस हॉलीलैंड के दो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस कल्टीवेटर्स को कंट्रोल करना चाहता है। और तुम कह रही हो कि उस डेविल का जो हाथ है वो हमारे इस ह्यूमन रेस के 2 मेजर पावर हाउस तक भी पहुंच चुकी है, असेंशन इमोर्टल पैलेस और तो और ग्रेट यान इंपीरियल डायनेस्टी। ये बात सुनने के बाद उसे बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे शॉक हो जाता है सिस्टर भी। और जूहियांग भी उससे गलती ये बात सच है जो मैं कह रही हूँ आपसे। और वो अचानक से पता नहीं क्यों पर क्यों ये एंसेस्टर अचानक से एक्साइटेड से भर जाता है और उससे कहने लगता है, ये तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब लगता है कि मुझे इस मिस्टीरियस पर्सन से मिलना ही चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ही कब और कैसे, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वहाँ के अपना ऑरा को रिलीज कर देता है बिना जान पहचान के, और सभी के सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और सभी लोग उसे शांत होने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन एंसेस्टर उससे कहने लगता है सभी लोगों से, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इस बंदे की प्लान क्या है और फ्यूचर में ये करना क्या चाहता है, हासिल करना क्या चाहता है, अगर वह सच में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को धमकाने में लगा हुआ है और कुछ भी नुकसान करता है तो अगर मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना नचावेर करने पड़े, मैं उसके इविल प्लान को रोक कर ही रहूंगा। और कोई भी इसके इतना ज्यादा ऑरा को रिलीज करते हुए महसूस नहीं कर पा रहा होता है, तभी यूएंग उससे कहने लगती है, एंसेस्टर जरा एक मिनट रुकिए, जो मिस्टीरियस बनता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस पर अटैक करने से पहले पूरी तरीके से तैयारियां करके रखें। और तभी वहाँ पर बाप के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, एंसेस्टर हम भी आपके साथ उस बंदे से फाइट करने के लिए तैयार है, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी गलती हो जाए तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। तभी एंसेस्टर उससे कह लगता है, अगर मैं जाता हूँ और उस बंदे का अपोनेंट नहीं हूँ तो तुम्हारे जाने का मतलब ही क्या बनता है वहाँ पर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जाकर खुद का ध्यान रख लूंगा और इस बार मैं वहाँ पर सेन जी और यू यूएंग के साथ जाऊंगा, और तो और वहाँ जाकर जाने से पहले मैं असेंशन इमोर्टल मिरर का भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, और अब जबकि मेरे पास इस मिरर की ब्लेसिंग है तो मुझे ही लगता है कि वहाँ पर मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी होगी। ये बात सुनने के बाद दोनों शौक हो जाते हैं और तभी पूरी सलवक शौक होते हुए लगता है, क्या जो एंसेस्टर है वो वाकई में असेंशन इमोर्टल मिरर का इस्तेमाल करना चाहते हैं इस बार। तभी हमें असेंशन सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, किसी को आते हुए दिखाया जाता है, और बल्कि में ये कोई और नहीं है बल्कि में एम्परर और जीजुआन है। जीजुआन तभी एम्परर से कहने में लगा हुआ था, फादर हम लोग सीनियर को रेस्पेक्ट देने के लिए जा रहे हैं इस बार, क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा कि अगर हम खाली हाथ उनके पास जाते हैं तो बिना कुछ लिए हुए। तभी जो एम्परर होता है वो उससे कह लगता है, जीजुआन तुम कुछ ज्यादा ही सोचने में लगे हो इस बारे में, तुम जानती हो कि जो हमारे सीनियर जैसे जो लोग हैं वो ट्रूली एक्सपर्ट होते हैं और चाहे हम उनके लिए कुछ भी ले जाएं उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भले ही हम उनके लिए काफी ज्यादा गिफ्ट तैयार कर ले, जरा इस बारे में सोचो, तुम्हें लगता है कि इस दुनिया की जो चीजें वो सीनियर के आंखों में कोई मतलब भी रखती है, उन्होंने हमारी मदद की है ताकि हम गोल्डन विंग रॉक क्लन को आसानी से हरा सके वो भी एक पेंटिंग की मदद से, और इस तरह की जो एक्सपर्ट है वो बिना किसी कल्टीवेशन चीज के रिलेटेड के अलावा किसी और चीज को पसंद करेंगे ही नहीं। और तुम एक बात हमेशा याद रखना कि जितना ज्यादा पावर बंदा होता है उतना ही ज्यादा वो अपनी किस्मत और फॉर्चून पर ध्यान देता है, हमारा सीनियर के साथ मिलना हमारी किस्मत थी और उसके द्वारा हमें गाइड किया जा रहा है, ये हमारा फॉर्चून है। और तभी में सारी की सारी बातों को सारे सारे पॉइंट को नोट किया जा रहा होता है और कह रहा होता है, जीजुआन जी बाकी में बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, मैं इस बात को सुनने के बाद एलर्टेड हो गया। और तभी एम्परर उसे कह लगता है, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई किस्मत या फिर फॉर्च्यून नहीं होगा तो भले ही सीनियर तुम्हारे सामने ही खड़े क्यों ना हो जाए तुम उनको कभी महसूस नहीं कर पाओगे, तो जब हम सीनियर से मिले थे तो हमें उन्हें अपनी सबसे नेचुरल स्टेट को दिखाना होगा। तभी जीजुआन उससे कह लगता है, लेकिन फादर आप वाकई में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, आपके पास वाकई में ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है और एक्सपर्ट्स का तो तरीका है जीने का और पता लगाने का जो तरीका है वो किसी आम बंदे को और कॉमन सेंस से पता लगा ही नहीं जा सकता, और वो अपने फादर का शुक्रिया कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वे लोग हमें चलते हुए दिखाए जाते हैं किसी को, तभी वो देखता है कि जो हमें पता चलता है कि जो जीजुआन है वो किसी की तरफ इशारा करते हुए कह लगता है, फादर देखो तो जरा, और वो तभी हमें जीजुआन के घर का सीन दिखाया जाता है जिसको देखकर वो कहते हैं एक्साइटेड हो जाता है एम्परर, और उसको देखकर कह लगता है, जरा इस जगह को देखो, जरा इस कैबिन को देखो तो जरा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी कैबिन है और बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर से तो एंडलेस एंसियंट म्यूजिक पाथ का आवाजें आने में लगी हुई है, भले इसे तुम दूर से ही क्यों ना देखो इसमें से ऐसा फील हो रहा है जैसा कि मेरे दिल को शांति मिल गई हो, और इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि सारा का सारा जो एनर्जी है वो सर्कुलेट होने में लगी हुई है, और तरीका बता रहा है किस तरीके से एनर्जी को सर्कुलेट किया जाता है बॉडी में कल्टीवेशन के लिए। एक इतने ज्यादा पावरफुल सीनियर का हिडन जगह मतलब छुपी हुई जगह वाकई में इस बात को कहलाने लायक तो है, वाकई में ये एक नंबर से कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स। तभी अचानक से जीजुआन को कुछ चीज नोटिस होती है और वो कह लगता है, फादर सामने देखो तो जरा, सीनियर के कोर्टयार्ड के आसपास काफी ज्यादा लोग चलते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी के सभी लोग सीनियर्स के फ्रेंड है। ये बात सुनने के बाद एम्परर का शौक हो जाता है और कह लगता है, क्या फ्रेंड्स कहाँ है मुझे जल्दी बताओ। दूसरे बार में दिखाया जाता है उसके अंदर उसके बगीचे के अंदर जियांगचेन के यहाँ पर वो जुलिन की बीमारी को ठीक करने वाला है और जुलान भी वहाँ पर मौजूद होती है, और एम्परर उसको देख के क्या लगता है कि यहाँ पर दो लड़कियाँ और एक ओल्ड मैन मौजूद है। अगर बात करें हम ओल्ड मैन की तो जो ओल्ड मैन है वो काफी पावरफुल है, अगर इसने अपनी पावर को रिलीज कर दिया तो मुझे इससे फाइट करने के लिए काफी सीरियस होना पड़ेगा।
इस बंदे की जो कल्टीवेशन है वो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी जो वेटिलिटी वो जल्दी खत्म होती जा रही है और इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो जल्दी मरने वाला है किसी सूखे पत्ते की तरह। लेकिन इसको देखकर ऐसा साफ साफ पता चलता है कि जो ओल्ड मैन है वो सीनियर का फ्रेंड नहीं है। ये बात सुनने के बाद जीत उसे लगता है, लेकिन फादर आप साफ साफ कहने में लगे हुए हैं कि इस बंदे का जो कल्टीवेशन है वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैंने इस दुनिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल को देखा भी हुआ है, ऐसा उसका फादर कहता है। और कतई एकदम से कूल वाले मूड में आ जाता है और उससे कह लगता है, तुम्हें समझ में भी आता है कि सीनियर का फ्रेंड होने का मतलब यह है कि सामने वाले बंदे का जो पावर है आई मीन कल्टीवेशन लेवल है वो भी उनके बदर होना चाहिए। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं, लेकिन जो ओल्ड मैन है वह काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इतना पावरफुल भी नहीं है कि वह इसका फ्रेंड हो। सीनियर के जो फ्रेंड है वो उनके ही लेवल के होंगे और जो ओल्ड मैन है वो सीनियर के लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। और इससे हमें ये पता प्रूव होती है कि जो बंदा है जो ओल्ड मैन है वो सीनियर का फ्रेंड नहीं है, हैशटैग प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। मतलब इस बात को सुनने के बाद वो ताली बजाने लगता है जिस वक्त, और वो कह लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज अटेंशन करने वाली है यहाँ पर, ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि जो सीनियर के पास बैठी हुई है जो कि बेयरफुट वुमन बैठी हुई उसके बगल में, उसको ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। इस वुमन का, इस लड़की का जो कल्टीवेशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा लो है, लेकिन इस लड़की के अंदर, इस लड़की की बॉडी के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कि इस बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मौजूद है। और तो और तभी जिस वन उससे पूछ लगता है, फादर क्या आपको किसी क्लू कोई क्लू पता चलता है कि ये कौन है? लेकिन उस एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, उससे क्या लगता है, नहीं अभी के मूवमेंट में कुछ भी नहीं। और जरा सीनियर को देखो तो जरा सीनियर इस वक्त एक निडल को पकड़े हुए है अपने हाथों में, और तभी जो सीनियर होता है उस निडल को जुलिन के माथे में घुसेड़ देता है और सारी की सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है जीत वन को। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो हमारे सीनियर है इस वक्त मेडिसिन की प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, और तभी जहाँ जिस जगह पर जो सीनियर ने जियांग चेन ने नीडल घुसी हुई है वहां से एनर्जी लीक होना स्टार्ट हो जाती है। ये सुनने के बाद एम्परर का शौक हो जाता है, उसे लगता है, लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी ज्यादा वॉयलेंट पावर, उस वॉयलेंट पावर को हमारे सीनियर ने सिर्फ एक नीडल से कन्वर्ट कर दिया है यूजेबल स्टेट में। अब ये लड़की इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है अपने अनुसार। और तभी जो ग्रांड पा क्वीन यूजी होती है देखने के बाद वो काफी शौक हो जाते हैं और एम्परर भी देखकर शौक हो जाते हैं, और दोनों को दोनों कह लगते हैं इस लड़की की जो फ्यूचर है वो वाकई में अनलिमिटेड है। और सबसे ज्यादा इंक्रेडिबल बात यह है कि जो हमारे सीनियर है उन्होंने बस अपने हाथों का इस्तेमाल किया है इस पावर को इस तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, और सिर्फ नॉर्मल लेटल का इस्तेमाल किया है। लेकिन जरा हमारे सीनियर को देखो जरा उनका मन कितना शांत है, और कोई भी सिंपल मींस हमारे सीनियर की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इस बोर्ड इस लड़की के अंदर जो स्पेशल पावर मौजूद है उसको परफेक्टली कंट्रोल कर लिया गया है, और ये किसी डिवाइन टेक्निक के द्वारा ही किया जा सकता है। और तभी हमें हेवनली यिन सेवन मदर्स के बारे में बताया जाता है और कह रखता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बॉडी से पूरी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे तुम्हारे ओरिजिन से कनेक्ट हो गई होती है ऑलरेडी। और इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर किसी को ये बीमारी होती है तो वह बंदा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, और ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में काफी ज्यादा टर्मिनल डिजीज है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो हमारे सीनियर है वो जुलिन की मदद करने वाले हैं इसी की इस पावर को इस्तेमाल कर इसके मैरो को क्लियर कर इसकी पूरी की बॉडी को रीशेप करने वाले हैं, और इसको ताकि ये कल्टीवेट करे इसके लिए एक परफेक्ट और अच्छी शागी बनाने वाले हैं। तभी अचानक से जो क्वीन यूजी ओल्ड मैन होता है वो उसे एम्परर को नोटिस कर लेता है और क्या लगता है क्या तुम लोग यहाँ पर चुपके से देखने में लगे हुए सब, और तभी क्वीन यूजी से पहचान लेता है और उसे क्या लगता है क्या तुम तो ग्रेट ज्ञान एम्परर हो जी युंदिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जो युवान होती है युल्लान होती है वो उससे पूछ लगती है, ग्रैंडपा आप कह रहे हैं कि जो सामने बंदा खड़ा हुआ है वह ग्रेट ज्ञान का एम्परर है, और ये बंदा तो ह्यूमन रेस का टॉप फिगर है, और तो और ये काफी तो फेमस है हमारे हॉली मास्टर हॉलीलैंड्स में। तभी जो जियांग चेन होता है वो युल्लान को बुलाता है, उससे क्या लगता है कि जो मेडिसिन बात मैंने तुमसे तैयार करने के लिए कही थी कि भाई तैयार है, और तभी युल्लान उससे क्या लगती है, हाँ मास्टर मैंने इसे तैयार कर रखा है, और तभी एक पॉट उससे खोलती है तो उस पॉट को देखने के बाद वो कभी शौक हो जाती है, उसका चेहरा देखने के बाद टमाटर लाल पड़ जाता है और उससे कहती है क्या ये चीज क्या हो रखी है इस पॉट में, और उस पैंट में से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और उसकी जो स्मेल आ रही होती है उसको सूखने भर से ही इन सभी का कल्टीवेशन बढ़ने लगता है। और तभी ग्रांड पा उससे पूछने लगता है, युल्लान आखिरकार तुमने इसके अंदर ऐसा क्या पुट कर दिया कि इतनी ज्यादा अच्छी स्मेल आने में लगी हुई है? तभी युल्लान उससे कह लगता है कि जो बैकयार्ड में जो चीजें लगी हुई है मैंने बस वही इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पर जीदवान से कहने में लगा तो है, क्या तुमने देखा क्या किस तरह की स्मेल आ रही है यहाँ से? और तभी यहाँ पर कई सारी मेडिसिन के बारे में बताया जाता है हमें, और इसमें इतनी ज्यादा मेडिसिन होती है कि वो उसे चाइनीज हर्ब्स के नेम से भी जाना जाता है, और कई सारी बीमारियां ठीक करने में मदद भी करती है। और इतनी ज्यादा मेडिसिन के नाम जानने के बाद तो हमें भी ना पता, खैर इसके बारे में भूल जाओ, मेडिसिन के डीप में नहीं जा रहा। इसको देखने के बाद पता चलता है कि युल्लान को तो वो काफी शौक भी हो रही होती है, और उसको बार बार सूंघे जा रही होती है, और काफी क्यूट भी लग रही होती है, और कह रही होती है कि मैंने इस मेडिसिन के बाहर के अंदर बात के अंदर कुछ भी खास नहीं मिलाया हुआ है, लेकिन जो सीनियर के बैकयार्ड में जो चीजें लगाई गई हैं हर्ब्स उगाई गई हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि बस नॉर्मल हर्ब्स है, लेकिन सच्चाई असली सच्चाई बताया जाए इसके बारे में तो सारे के साथ जो हर्ब्स है वो बहुत प्रीसियस है
और सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो डिवाइन थिंग्स हैं और जो हम पूरी पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही, ऐसा ही हो सकता है। और तभी वो उसके एक बूंद अपने उंगली में लेती है और उसे चखना चालू कर देती है, और जब वे उसको चखना चालू कर रही होती तो जैक्सन सब सब कुछ देखने में लगा हुआ था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये लड़की कर क्या रही है। तभी जैक्सन उससे क्या लगता है, यूलान मैंने जूलिन के सारे के सारे जो सेंसेस है अपनी एक्यूपंक्चर मेथड के द्वारा सील कर दिए है, तो अब वो आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ भी महसूस नहीं कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जूलिन को इस मेडिकल बकेट में डाल दो और इसकी मदद करो बात लेने में। तभी जो जियांगचेन होता है वो देख लेता है कि वहाँ पर कौन उन्हें देखने में लगा हुआ है और उसे क्या लगता है, अच्छा तो ये वही लोग है ना फेक रिच जिनके पास पैसे भी नहीं है, और कहने लगता है मन में सोचते आखिरकार तुम लोगों ने इस प्लेस के बारे में पता कैसे लगाया। दूसरा हमें दिखाया था जोलान को जो कि जूलिन को अपनी गोद में उठाकर वहां से जा रही होती है और उसे पूरी लगती है सीनियर जो जूलिन है वह अभी भी कपड़े पहने में लगी हुई है, अगर मैं इस तरीके से बात दिलवाती हूँ तो क्या इसकी एफिशिएंसी में इसका इफेक्ट पड़ने वाला है क्या मेडिकल बात पर। तभी जियांगचेन इस बारे में सोचता है और उससे क्या लगता है, ये बात तो सच है कि इसका जो अफेक्ट है वो थोड़ा पुअर हो जाएगा, लेकिन जो जूलिंग है वह एक लड़की है तो हम ऐसे ही इसके कपड़े नहीं उतार सकते। खैर जो तुम करना चाहो तुम कर सकती हो, क्योंकि जो मेडिकल बात है वो काफी समय तक टिक सकती है और बात का प्रोसेस की तुम पर डिपेंड करता है, तुम चाहे वैसे कर सकती हो। लेकिन जो जूलिन होती है इस मौके का फायदा उठाते हुए उसको डायरेक्टली पटक देती है उसमें, ऐसा लग रहा है कि गुस्सा निकाल रही हो। और तभी जैंगचेन उससे क्या लगता है, अब जबकि तुमने जूलिन को वापस उसमें पटक दिया है तो अब समय आ चुका है कि हम अपने गेस्ट का स्वागत करें। तभी जुआलिन उनके दोनों के पास जाती है और उनसे कह लगती है, तो आप दोनों के दोनों गेस्ट मास्टर ने आपको अंदर आने के लिए परमिशन दे दी है। यह बात सुनने के बाद जो एम्परर होता है वो शौक हो जाता है और उससे कह लगता है, सीनियर जियांग मास्टर है तुम्हारे, क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तभी जो जुआलिन होता है वो उससे कह लगता है, जो युवान है उस मास्टर के द्वारा फेवर कर दिया गया और ये वाकई में बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी उस समय पर। तभी एम्परर उससे कह लगता है, वाकई में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा किस्मत वाली बात है कि तुम्हें सीनियर जैसा मास्टर मिला है, बात तो माननी पड़ेगी, कुंगयुन हॉलीलैंड की जो सेंटेंस है उसकी जो किस्मत है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। और एम्परर मन में सोचते कह लगता है, मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि कुंगयुन हॉलीलैंड की जो एक्शन होंगे वो इतने ज्यादा फास्ट होंगे, भाई लोग इतने ज्यादा तेज होंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और वो जी जुआन की तरफ देखने लगता है लेकिन जी जुआन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तभी वो अपने बेटे से कहने लगता है कि जब भी हम सीनियर से मिलेंगे आप तो हमें कुछ सेमलेस थिंग करनी पड़ेगी। तभी जी जुआन उससे कहने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों फादर। तभी एम्परर उससे कहने लगता है कि मैंने अपनी भले ही से ग्रेट यान एम्परर सील दे दिए पहले और सीनियर से एक्सेप्ट भी कर लिए, लेकिन अभी फादर के तौर पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए और मुझे कुछ सेव करना है, और मैं जो करने वाला हूँ वो उतना से सेफ नहीं होने वाला हूँ। अभी दूसरे पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से क्वीन जूनजी ने सीनियर को पटाया है ताकि वे उसकी ग्रैंड डॉटर को स्टूडेंट के तौर पर ले ले। जरा इस क्वीन जी को देखो, जरा इसने अपने ग्रैंड डॉटर को ऐसा कर दिया है कि जो सीनियर है स्टूडेंट के तौर पर देख रहे हैं। जरा इस बारे में सोचो, अगर फ्यूचर में कभी भी क्वीन हॉलीलैंड को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा तो जो सीनियर है बिना कुछ भाई शांति से बैठ पाएंगे क्या, तो हमें भी अपना ट्रम्प कार्ड बनाना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, तो सीनियर ही हमारा बेस्ट चॉइस है तो हमें इन्हें अपनी तरफ करना ही होगा। और वो जी जुआन से कह लगता है कि अगर तुम सच में सीनियर के साथ रहना चाहती हो तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जाओगे। ये बात सुनने के बाद वह भी शौक हो जाता है और उससे पूछ लगता है, अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए फादर, आप कहना चाहते हो कि मैं कभी भी ग्रेट यान किंगडम पर वापस नहीं जा सकता। तभी एम्परर उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कह लगता है, जी जुआन तुम्हारे जब तक तुम्हारे पास ये स्टेटस है और तुम इस स्टेशन के दौरान सिर्फ एम्परर ही बन सकते हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं, वो भी फ्यूचर में, लेकिन क्या हो अगर तुम इतनी सीनियर जैसी पावरफुल असिस्टेंट के स्टूडेंट यानी कि डिसिप्लिन बन गए तो, और अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में तुम्हारा कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतने पावरफुल बन जाओगे कि कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो एम्परर होता है वो अंदर आ जाता है और वो सीनियर से कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी युआलान उससे कहने लगती है कि सीनियर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। तभी जो जियांगचेन होता है वो उससे पूछ लगता है, अगर तुम लोगों ने प्लेस के बारे में पता कैसे लगाया। तभी एम्परर उससे कहने लगता है कि पूरी यूएस सिटी में तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा है, मैंने बस इधर उधर पूछा तुम्हारे बारे में उन्होंने बता दिया। ये बात सुनने के बाद जियांगचेन कभी तो गुस्सा होता है और उनसे कहने लगता है, इसका मतलब ये हुआ तुम यहाँ पर किस लिए आओ पहले तुम ये बताओ मुझे। और मन में सोचते कह लगता है, तुम्हारे लिए वाकई बहुत आसान था ये तो। और तभी एम्परर उससे कह लगता है कि जो पेंटिंग मास्टर के द्वारा हमें दी गई थी उसकी पेंटिंग के कारण हमारी बहुत ज्यादा मदद हुई और इस बार मैं स्पेशली आपको थैंक यू करने के लिए आया हूँ। और बात करें उस पेंटिंग के बारे में जो कि एडवाइस आपने मुझे दी थी, तो आजकल को जो मेरा बेटा है जी जुआन उसे पेंटिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट उठ चुका है। अगर मेरा बेटा वाकई में किस्मत वाला हुआ आपके जैसा टीचर मिल जाए तो आप मास्टर जो भी मुझसे कहेंगे मैं कुछ भी करने लिए तैयार हूँ इस बात के लिए। ये बात सुनने के बाद जी जुआन भी कभी शौक होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप पेंटिंग तो उसने कभी भी ना की अपनी लाइफ में। और तभी उससे क्या लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर की जो पेंटिंग है उन्होंने वाकई मुझे बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट किया है, तो मैं मास्टर को अपने टीचर के तौर पर वर्शिप करना चाहता हूँ और आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और आपके अंडर में स्टडी करना चाहता हूँ वो भी दिल से। अगर मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी हुई
तो मेरी तीन जनरेशन भी मतलब तीन जिंदगियां भी कभी सुधर जाएंगी। ये बात सुनने के बाद जैंक्शन भी कभी कंफ्यूज होता है और उसको डायरेक्टली मना करते उससे क्या लगता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी अपना एक डिसिप्ल एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी वो मन में सोचते कभी तक घबरा रहा होता है और उससे क्या लगता है ओरिजिनली तुमसे बात कही जाए तो मैंने ऑलरेडी युल्लान को अपने डिसिप्ल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर और मुझे इसके एक्सेप्ट करने के बाद पता चला कि किसी स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना ही बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है और हमेशा इसको सिखाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता हूँ और मैं एक प्रिंसिपल वाला बंदा हूँ और यहाँ पर एक और बंदा आ चुका है मेरा स्टूडेंट बनने के लिए और अगर मैं इस बात से एग्री हो गया हूँ तो मेरी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बात सुनने के बाद रैंपरा शौक हो जाता है और उससे लगता है कि सीनियर आपने मना कर दिया क्यों। तभी जैंग चैन उससे क्या लगता है कि मुझे लेजी होना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं किसी प्रकार से कोई भी प्रकार से रेस्टोरेंट नहीं होना चाहता तो मैं और ज़्यादा डिसिप्लिन लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे सिंसियरिटी को देखा जाए तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूँगा। और मन में सोचते क्या लगता है कि ये दोनों को देखो तो दोनों के दोनों कभी तो रिच लगते हैं और कभी तो नोबल लगते हैं, अगर मैंने उनसे कही कि वो मेरे लिए ये काम कर दे तो वो लोग इस बात के लिए मना कर देंगे क्योंकि ये काफी लोग अमीर हैं और अपनी रेस्पेक्ट करना जानते हैं। और जैंग चैन उससे क्या लगता है कि ये तुम्हारे लिए टेस्ट है, अगर तुम मेरे टेस्ट को पास कर लेते तो मैं तुम्हें अपनी हाथों से बनी हुई स्वॉर्ड दूंगा। ये बात सुनने के बाद दोनों तरफ एक्सेप्ट हो जाते हैं और उससे क्या लगते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, जब तक मास्टर मुझे अपने डिसिप्लिन के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं कुछ भी करने की तैयार हूँ, चाहे मुझे इसके लिए आग से भी क्यों ना जलना पड़े लड़ना पड़े, हर कॉस्ट पर मैं करूंगा। और जैंग चैन एकदम से कहने लगता है ऐसे ही पॉसिबल है करना क्या। तभी उससे कहने लगता है जैंग चैन जो टेस्ट में तुम्हें देने वाला है वो काफी सिंपल है, तुम्हें बस मेरी लॉन्ड्री करनी है और खाना बनाना है और क्लीनिंग करनी है, मेरी टॉयलेट को क्लीन भी करना है। ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों तुरंत कह देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि भाई इन्हें तो कोई परेशानी हुई नहीं, ये बात सुनने के बाद जैंग चैन शौक हो जाता है। तभी जीजवान उससे क्या लगता है कि अगर मैं मास्टर के साथ रह सकता हूँ तो मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और जैंग चैन को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो कहीं शौक हो जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। और तभी ये बाहर से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जीजवान उसे प्रॉमिस कर रहा होता है कि उसके लिए कुछ भी करने के तैयार है और वो कुछ भी हेजिटेट नहीं करेगा। और तब जैंग चैन मन में सोचता क्या लगता है मुझे लगता है कि मैंने दूसरों के कैरेक्टर को अंडरएस्टिमेट कर दिया है, यहाँ तक कि एक अमीर बाप की औलाद मेरे इस तरीके के कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और तभी जैंग चैन उससे क्या लगता है कि आप जबकि तुम मेरे साथ रहने वाले हो और मेरी कोर्स में मदद करने वाले हो, मेरा काम करने वाले हो, कपड़े धोने वाले हो, खाना बनाने वाले हो, वो भी इस पॉसिबिलिटी के साथ कि तुम फ्यूचर में मेरे डिसिप्लिन बन जाओ तो मैं तुम्हारा फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला फ्री में। ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों कभी एक्सेप्ट हो जाते हैं और उससे क्या लगता है ये तो बाकी बहुत अच्छी बात है। तभी जैंग चैन कुछ सर्च करने लगता है और उससे क्या लगता है कि मैं कुछ समय से पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ भी पेंटिंग नहीं बची हुई, लेकिन ये जो स्वॉर्ड है वो मेरे द्वारा बनाई गई है वो भी एक ऑर्डिनरी लकड़ी से और मैंने काफी दिल से इस स्वॉर्ड को बनाया है और मैंने जितना भी काम किया है उसमें कह सकते हो कि ये जो काम है मेरा वो बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरा मास्टरपीस भी कह सकते हो। तभी हमें एक टाइगर टाइप के शेप से दिखने वाली एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है और जैंग चैन उससे कहने लगता है कि मैं एप्रिशिएशन के तौर पर ये जो स्वॉर्ड है मैं आपको देना चाहता हूँ। और लेकिन उस स्वॉर्ड को जब वो दोनों देखते हैं तो उसमें से काफी भयानक मात्रा में और निकल रहा होता है और मन में सोचते हैं एम्परर देखकर उससे कहने लगता है ये स्वॉर्ड तो वाकई में पीयरलेस स्वॉर्ड है और वाकई में इनक्रेडिबली टेरिफाइंग मैजिक ट्रेजर है ये और पूरी दुनिया बौखला जाएगी अगर दुनिया को पता चले इस बारे में तो। भले ही मैंने अभी भी इस स्वॉर्ड को अपने हाथों में नहीं पकड़ा हुआ है लेकिन इसकी जो एनर्जी और पावर है मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। अब जबकि ये ही बॉस का इंटेंशन है तो मैं इसको बात को कहीं मना नहीं करने वाला और ऐसा पुलिस को एक्सेप्ट करता हूँ। और एम्परर उससे क्या लगता है कि अगर फ्यूचर में आपको किसी प्रकार का कोई भी काम मुझसे करवाना हो तो आपको बस मुझे कह देना, बस एक शब्द कहना और मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी जैंग चैन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उससे क्या लगता है ये बस एक स्वॉर्ड है तो तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, तुम्हें बस इस स्वॉर्ड को रख लेना चाहिए, इतनी ज्यादा हरकतें मत दो तो बेटर रहेगा। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि एक लकड़ी की स्वॉर्ड पाने के बाद ये इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो गए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा पोलाइट हैं और जब से मैंने इस दुनिया में आया हुआ हूँ तब से जितने भी लोग से मिला हुआ हूँ सभी के सभी पोलाइट हो रहे हैं मुझसे, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, यहाँ तक कि मेरे डिसिपल्स भी सेम है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सो कॉल्ड फैंटेसी वर्ल्ड में जो जिस वर्ल्ड में मैं आया हुआ हूँ वह एक्चुअली में जो लॉज ऑफ जंगल का कानून काम करता है वह यहाँ काम नहीं करता हो, बल्कि मैं इस पूरी दुनिया में प्यार और शांति बनी हुई है। भाई से कुछ ना पता, यहाँ पर युद्ध छिड़ जाते हैं छोटी बातों पे। और तभी उन दोनों से क्या लगता है मुझे याद आया मैंने इस चीज को अभी भी कोई किसी प्रकार का नाम नहीं दिया है, आई मीन सॉरी गाइस स्वॉर्ड के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो जीजवान का नाम पूछता है। तभी जीजवान से बताता है कि मेरा नाम जीजवान है। तभी जो सीनियर होता है वो उससे कह लगता है, जैंग चैन उससे कह लगता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें आज से कुछ सिखाने वाला हूँ। और तभी जैंग चैन उससे कह लगता है अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा हुआ तो तुम जल्दी से स्वॉर्ड को ले सकते हो और जो चाहे तुम कर सकते हो, जीजवान तुम मेरे साथ आओ, यहाँ पर कुछ काम है वो तुम्हें निपटाने होगी। खैर अब तुम्हें मैंने काम बता दिया है तो मैं चलता हूँ, मेरे कुछ काम है मैं वो करने जा रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद एम्परर उससे कहने लगता है कि यार सीनियर यहाँ से हमें छोड़कर जा रहे हैं। तभी जो एम्परर होते हैं वो उससे कहने लगते हैं अपने बेटे से जो जरा देख दो जीजवान कि जो हमारे सीनियर है वो कितने ज्यादा जेनरस है, ये जो स्वॉर्ड है वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और जैसे ही वो स्वॉर्ड को छूता है तो अचानक से वो स्वॉर्ड
उसके हाथ को काट लेती है और उसके हाथ को छोड़ने का नाम ही ले रही होती है, जिसको देखकर एम्बर डर जाता है और चलाना चालू कर देता है और कह लगता है अगर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और तभी जी जवान उससे कह लगता है मैं समझ गया हूँ यही हमारे सीनियर का जो टेस्ट है, और कह लगता है डैड सच सच बताऊँ तो सीनियर एम हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं तो इस स्वॉर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और अपने आप को अपने बेवकूफ बना लिया है। और तभी जो ग्रेट यान एम्बर होता है वो स्वॉर्ड को छोड़ने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन वो अभी भी सोच रहा है कि वो किस तरीके से अपने आप को बेवकूफ बना लिया है। और वो कह लगता है जी जवान मेरी मदद करो यहाँ पर कुछ काम करने के लिए, लेकिन जी जवान उसे मना कर देता है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता हुआ है। तभी एम्बर उसे लगता है कि मुझे अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस स्वॉर्ड से पीछे छुड़ाना, तो लेकिन जैसे ही वो फोर्स का इस्तेमाल करता है तो उस स्वॉर्ड में एक धमाका होता है और जिसके कारण उसे एम्बर की बैंड बच जाती है और कह लगता है तो बाकी बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्या जी जवान आप जबकि तुम सीनियर के डिसिपल जल्दी बनने वाले हो, तुम्हारा इस मामले में क्या कहना है और आखिरकार मुझे इस तरीके से टेस्ट क्यों जा रहा है, डिसिपल तो तुम बनने वाले हो। लेकिन जी जवान कह लगता है मुझे भी नहीं पता इस बारे में। तभी अचानक उसके दिमाग की घंटी बजती है और उससे क्या लगता है कि अब समय आ चुका कि मैं यहाँ पर अपना काम करना चालू करूँ, शायद मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना है और शायद मैं ही वह बंदा हूँ जो कि सीनियर के तरफ जो काम दिया गया है मुझे मेरे द्वारा किया जा सकता है और तभी हम टेस्ट को पास कर सकते हैं और मेरे फादर के हैंड को फ्री कर सकते हैं। एक प्रिंस का एक एक्सट्रीमली नोबल स्टेटस होता है लेकिन इस समय पर इसने अपने इस स्टेटस को भूलकर झाड़ू उठा लिया है और एक सर्वेंट की तरह यहाँ पर काम करने लगा हुआ है और मेरा बेटा है इस काम में काफी एफर्ट लगाने में लगा हुआ है पूरी पूरी ग्रेट यान किंगडम के लिए। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जो पनिशमेंट मुझे पीएलएस डिवाइन स्वॉर्ड की तरह मिली गई है ये अनरीज लेवल है। मैं अपने बेटे के कर्ज में डूबता जा रहा हूँ और तो और पास्ट में जो भी चीज हुई है मैंने सब कुछ देखा है अपने बेटे के साथ क्या क्या हुआ है लेकिन मैंने कभी भी अपने बेटे को कम्फर्ट नहीं किया है, लेकिन तुमने फिर भी इतने ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया है। तुम्हारा फादर तुम पर काफी गर्व करता है गर्व और काफी सॉरी। वो जीजवान के पास आता है इमोशनल होते हुए, तभी जीजवान उससे कह लगता है आपको इतने ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी रिलीज किया है इस बारे में और मैं काम करने तैयार हूँ। लेकिन जो एम्पर होता है उसे गले लगा लेता है इमोशनली और जीजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी एम्पर उसे कह लगता है मुझे पता है कि इतने सालों तक तुम्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, और जीजन कह लगता है आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। और इस तरीके की बकवास सुनते हुए इस तरीके की इमोशनल सीन देखते हुए जो जूलिन होती है और जो युलनवान होता है और जो किंग जून होता है वो सभी सुन रहे होते हैं और इसे लगते हैं आखिरकार ये लोग क्या बातें करने में लगे हो यहाँ पर, और ये सुनकर तो काफी टचिंग महसूस हो रहा है। और तभी उसमें से बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस निकलने में लगा हुआ होता है और इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस देखने के बाद जो स्वॉर्ड होती है वो अचानक से उसके हाथ से छूट जाती है, इसको देखकर एम्परर शॉक हो जाता है और एकदम से खुश हो जाता है, उसका हाथ फ्रीज हो गया स्वॉर्ड से और कह लगता है मैं फ्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीनियर के द्वारा हमें टेस्ट दिया गया था वह हम पास कर चुके हैं, मैं वाकई में अलर्टेड हो गया। जो तुम्हारा फादर है वो फ्यूचर में हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा, फ्यूचर में सिर्फ एक अच्छा एम्परर ही नहीं बनकर दिखाऊंगा मैं लेकिन अच्छा फादर ही बनकर दिखाऊंगा। तभी जी जवान में कहने लगता है कि फादर मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे और कब, और वो कभी तो इमोशनल हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें स्वॉर्ड के बारे में दिखाया जाता है जो कि इतने बेहोश हो चुकी है क्योंकि वो उसे उस बात में से जो स्मेल आ रही है उसके कारण, और इसी स्मेल के कारण वो बेहोश हो गई। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आइए हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारा जो टारगेट है लाइक्स का तो गाइस वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। मिनिमम टारगेट है हमारा 1000 लाइक्स का और ज्यादा से ज्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 हज़ार लाइक्स तो करवा दीजिए फटाफट से ताकि हम नेक्स्ट पार्ट को जल्दी जल्द डाल सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट से और पार्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए इस चैनल पर पार्ट्स मौजूद हैं, तो जो सब्सक्राइब करेगा उसी को जो पार्ट्स अवेलेबल होंगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सीनोरा साइनिंग आउट, बाय बाय बाय, सायोनारा।